अरियल्लूर जिले के एक छोटे से गांव की 18 साल की अनीता का सपना था डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पताल में काम करना। यहां गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है। 12वीं क्लास में बेहतरीन नंबर लाने के बावजूद एक गरीब दलित किसान की बेटी अनीता नीट परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई। साल 2017 में अनीता ने आत्महत्या कर ली। இந்த வருஷம் பாரதிய ஜனதா தான் நீட்டை கொண்டாந்துச்சு. காங்கிரஸ் ஆனால் எங்களை கொண்டு வந்திருக்காது, தமிழகத்தில் கொண்டு வந்திருக்காது. இப்போ எங்கள் நாட்டில் இப்போ படிக்கிறது பூரா வெளி மாநில பிள்ளைங்க தான் அங்கே வந்து டாக்டர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிள்ளைங்களாம் டாக்டர் ஆகலை. தமிழ்நாடு மே பஹலே 12வீ கக்ஷா கே நம்பரோ கே ஆதார் பர் மெடிக்கல் காலேஜ் மே அட்மிஷன் ஹோ ஜாதா தா. அப் நீட் பரீட்சா பி கிளியர் கர்னி படதி ஹே. ஆலோசகோ கே முதாபிக் மெஹங்கி கோச்சிங் கே பினா நீட் கிளியர் கர்னா ஆசான் நஹீ और इससे राज्य के छात्रों को नुकसान होगा। समर्थकों का तर्क है कि ये सिस्टम सभी को बराबर का मौका देता है। अनीता की याद में इस गांव में एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जहां पर मार्क्स, बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी किताबों के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की किताबें भी रखी गई हैं। जानकार बताते हैं कि अनीता की आत्महत्या से आम लोगों में संदेश गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमिलनाडु विरोधी है और उसे आम जनता और राज्य के हितों की कोई परवाह नहीं है। मोदी विरोधी पूछते हैं कि उन्होंने दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात क्यों नहीं की। उनका आरोप है कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर उत्तर भारतीयता थोपना चाहते हैं। We see him as a prime minister who flies often to abroad, not so interested to deal real problems of the people and all. So we see Modi as a prime minister who is a tourist, we can say like that. Vanakkam to my sisters and brothers of Tamil Nadu. तमिलनाडु में भाजपा समर्थकों ने जवाब में तमिलनाडु वेलकम्स मोदी जैसे हैशटैग्स चलाए हैं। तमिलनाडुस एंटायर बिजनेस वेदर इट इज लिकर सैंड मेडिसिन एनीथिंग पॉलिटिशियंस आर देयर सो व्हेन वी ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इनटू द ट्रेडिंग पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड इवन सिनेमा इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर. So you can say this social media or even the say go back Modi, all those things are created by certain individuals. रिपोर्टों के मुताबिक दोनों पक्षों के हैशटैग्स के ट्रेंड होने में बॉट्स का भी हाथ था। सोशल मीडिया पर चुनावी जंग अभी और तेज होगी। विनीत खरे, बीबीसी, अरियल्लूर, तमिलनाडु।